हेलो एवरीवन। सो हमारा प्रॉब्लम सीरीज में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का हम प्रॉब्लम कर रहे थे। नेक्स्ट इज इट इज योर सेकंड क्लास ऑन ईएमटी। ओके सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन जो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है? एक सर्कल है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, ओ पे प्लस क्यू चार्ज एक है स्मॉल क्यू। और जो सर्किल है एक रिंग टाइप का है, ठीक है? तो रिंग टाइप का जो सर्किल है इसका टोटल चार्ज क्या है? प्लस क्यू। इस टोटल चार्ज इसमें प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ पर है। वो क्या बोल रहा है? व्हाट वुड बी दी, मैं लिखवा दे रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा। व्हाट वुड बी दी इंक्रीज इन टेंशन ऑफ द वायर, इंक्रीज इन टेंशन ऑफ द वायर। सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा है? एक वायर है, वायर एक वायर के तरह, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, वायर के अंदर एक टेंशन फोर्स होगा। वो क्या बोल रहा है? अगर वायर के सेंटर में हम प्लस क्यू चार्ज रख दिए और वायर में टोटल चार्ज प्लस क्यू, कैपिटल क्यू फ्लो कर रहा है, तो बोल रहा है इस वायर में कितना टेंशन इंक्रीज कर रहा है या कितना टेंशन है। सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा घुमा दिया है, सिंपल है। कितना टेंशन इंक्रीज किया है तो एक चीज़ देख लेंगे। देखिए ये वायर है ना, तो वायर का एक लाइन चार्ज डेंसिटी होगा। लेट्स इसका लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा हो गया, ठीक है? तो लैम्ब्डा हमको पता है क्या फॉर्मूला होगा, क्यू अपॉन टू बाई आर। प्लीज आउटसाइड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो क्यू अपॉन टू बाई आर इसका क्या हो गया? लैम्ब्डा। देन इफ यू कंसीडर, लेट्स हैव कंसीडर ए स्मॉल लेंथ डीएल हियर। ये जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ कितना है? डीएल। ओके तो ये जो डीएल है ये सेंटर से कितना एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहा है? लेट्स डी थीटा। थोड़ा मैं बड़ा दिखाया हूँ, ये बहुत छोटा होगा, समझ रहे हैं? पर मैं थोड़ा बड़ा दिखाया हूँ इसको। लेट्स एंगल ये कितना होगा, ये वाला एंगल यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, डी थीटा। ओके सॉरी गाइज, प्लीज आउटसाइड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा, रियली सॉरी। ठीक है तो ओयर है, तो सॉरी ये लेंथ डीएल है, ये डीएल क्या कर रहा है? एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहा है डी थीटा। ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये टेंशन निकालने बोला है ना, तो टेंशन तो हर पॉइंट पर इक्वल होगा, तो हम क्या कर लेंगे इस डीएल लेंथ पर कितना टेंशन लग रहा है निकाल लेंगे, वही लेंथ पूरा ओयर पे होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेट्स ये डीएल लेंथ पर जब हम इस पॉइंट पर डीएल पर जब टेंशन निकालेंगे तो इस डिरेक्शन में एक टेंशन रहेगा और इस डिरेक्शन पर एक टेंशन रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। देन जब इस डिरेक्शन पर टेंशन रहेगा वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ से टेंजेंशियल आएगा कि नहीं, यहाँ से आया, तो यहाँ से टेंशन टी हो गया, यहाँ से भी टेंशन टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं? ठीक है, प्लीज आउटसाइड नॉइज को थोड़ा इग्नोर कीजिए गाइज। देन इफ वी ज्वाइन बिटवीन देम ओ टू ओ, ओके तो इसको आप देखिए अच्छे से, मैं इस वाले फिगर को यहाँ पर थोड़ा बना रहा हूँ। देखिए हमारा ये है डीएल लेंथ, ओके तो ये क्या कर रहा है, दोनों ओ से एंगल डी थीटा सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ से ऐसे एक टेंशन आया और ऐसे एक टेंशन आ रहा है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन अगर हम क्या किए यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दिए, ठीक है, तो ये अगर टोटल अगर डी थीटा हुआ तो ये क्या हुआ, ये दोनों डी थीटा बाई टू, ये भी डी थीटा बाई टू होगा कि नहीं होगा? देन देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट देख लीजिए अच्छे से, जब भी हम इस क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं तो इस टेंशन जो दोनों फोर्स है इन टेंशन फोर्स को अलग कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, कर रहा होगा कि कर रहा होगा। देखिए
हम ये बोल रहे हैं इस टोटल लेंथ पर चार्ज क्या है, क्यू है, और हम अगर निकालें इस डीएल लेंथ पर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन डी, सॉरी डी क्यू लिख देते हैं, डीएल लेंथ पर चार्ज डी क्यू लिख देते हैं, चार्ज ऑन डीएल लेंथ कितना का, क्यू बाई टू पाई आर इंटू डीएल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डीएल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, डी क्यू होगा, और डी क्यू का वैल्यू होगा क्यू बाई टू पाई आर इंटू डीएल, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहां पर एक चीज देखिए, तो ये सेंटर पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज, और इस जो डीएल लेंथ है, स्मॉल लेंथ है, इसमें टोटल चार्ज क्या है, क्यू बाई टू पाई आर इंटू डीएल, मतलब डी क्यू चार्ज है, मतलब ये जो सेंटर में स्मॉल क्यू चार्ज है, इस डीएल लेंथ पर जितना चार्ज है उसको रिपेल कर रहा होगा एक फोर्स से, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये जो फोर्स रिपेल कर रहा होगा, इस डिरेक्शन में आएगा वो फोर्स, ये होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स, कुछ भी बोले, एफ सी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अभी टेंशन को, सिर्फ दोनों टेंशन को रिजोल्व करना है। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, इसको हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर ले रहे हैं। अगर ये एंगल डी थीटा बाई टू हो गया, देखिए अच्छे से देखिए, देखिए ये एंगल डी थीटा बाई टू, हमको पता है ये जो एंगल है ना, ये एंगल 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं, तो ये एंगल होगा 90 माइनस डी थीटा बाई टू, होगा कि नहीं। तो अगर ये एंगल 90 माइनस डी थीटा बाई टू हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट, इस टेंशन का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, टी साइन 90 माइनस डी थीटा बाई टू, इसका भी कितना आएगा इस तरफ, टी साइन 90 माइनस डी थीटा बाई टू, ओके आ गया। और इस टेंशन का नीचे वाले, मतलब यहाँ से एक एक्स एक्सिस में एक कंपोनेंट आया, नीचे वाले मतलब वाई एक्सिस में भी कंपोनेंट आएगा टी का, इस टी का, तो इस टी का कितना आएगा, मैं यहाँ से नीचे दिखा दे रहा हूँ, यहीं पर दिखा लिख दे रहा हूँ, तो दोनों का कितना आएगा, टी कोस 90 माइनस डी थीटा बाई टू, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 माइनस डी थीटा बाई टू, समझ में आ गया, ठीक है। ये एंगल है, ये इतना स्मॉल एंगल इतना, ठीक है। देन ये कितना हो गया इसके लिए ना, टी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई टू, और इस टेंशन के लिए कितना होगा, इसके लिए भी टी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई टू हो गया। देन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जा रहा है, तो जो कूलम्बिक फोर्स है वो इस टेंशन का जो कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट आया दोनों, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एफ कूलम्बिक इक्वल टू 2t कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई टू, क्या लिख सकते हैं, साइन डी थीटा बाई टू, ओके कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो एफ कूलम्बिक इक्वल टू कितना आएगा, देखिए ये डी थीटा बाई टू, डी थीटा तो बहुत स्मॉल एंगल है, समझ में रहे, तो डी थीटा बाई टू भी और स्मॉल एंगल होगा, तो साइन, जब साइन थीटा में जो थीटा बहुत स्मॉल होता है, जब बहुत स्मॉल होता है थीटा, तो क्या लिख सकते हैं उसको, सिंपल 2t इंटू साइन डी थीटा बाई टू को डायरेक्ट डी थीटा बाई टू लिख सकते हैं, ओके ठीक है। हेलो, आई थिंक सुनाई दे आ रहा है आपको, ठीक है। देन हाँ ठीक है, तो एफ कूलम्बिक कितना हो गया 2t इंटू डी थीटा बाई टू, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा है क्या टी इंटू डी थीटा, एफ सी इक्वल टू टी इंटू डी थीटा। अच्छा देखिए एक चीज़ देखिए, हमको पता है ना DL इक्वल टू, ये जो DL लेंथ है इक्वल टू R d थीटा, पता है कि नहीं, पता है। तो यहाँ पर R क्या है, कैपिटल R, तो DL कितना होगा, कैपिटल R d थीटा, यहाँ से d थीटा का वैल्यू कितना आएगा, DL अपन R, है कि नहीं, देख लीजिए सिंपल है, d थीटा का कितना आएगा, DL अपन R, ओके। देन एफ सी का वैल्यू कितना आएगा, कूलम्बिक टी इंटू डी एल अपन कैपिटल, ओके देख लीजिए, ठीक है
देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एफ सी. ओके सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ एफ सी. तो कुलम्बिक फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड डीएल चार्ज. डीएल चार्ज कितना है? डी क्यू चार्ज. मतलब पुट करते हैं क्या होगा देखिए. तो फोर्स फॉर्मूला क्या है? के क्यू वन, क्यू वन कितना है? प्लस क्यू. क्यू टू, क्यू टू कितना है? डी क्यू. डी क्यू का वैल्यू कितना आया? क्यू बाई टू पाई आर, सॉरी क्यू बाई टू पाई आर इंटू कितना है? डी एल. के क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर. आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? आर. ये तो आर ही होगा ना. ये डेल बहुत स्मॉल लेंथ है, समझ में आया? ये जो डीएल है बहुत स्मॉल है, इसलिए ये जो रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओ टू डीएल कितना होगा? आर होगा. बाय आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? टी डीएल अपन आर. तो डीएल डीएल कट गया, बचा क्या? यहाँ टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा? टेंशन का वैल्यू निकालना है ना हमें. तो आर आर कट गया, तो बचा क्या? के क्यू कैपिटल क्यू, के क्यू कैपिटल क्यू बाई टू पाई आर स्क्वायर. प्लीज़ कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, आई थिंक इट्स करेक्ट, फिर भी चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन. ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है. सिर्फ देखिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ आपको, इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का तो फोर्स और इसका तो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसके साथ क्या यूज हो रहा है? यहाँ पर कुलम्बिक फोर्स का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सॉरी यहाँ पर मैकेनिक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. जैसे आप कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, वेक्टर का कॉन्सेप्ट रिजॉल्व कर रहे हैं, तो इस टाइप को क्वेश्चन को डील करना आपको आना चाहिए, समझ में आ गया? देखिए कोई एक टॉपिक में क्वेश्चन आने वाला है इसका गारंटी बहुत कम होता है, होता है. अगर आप ये सब क्वेश्चन, क्या पता है ये सब क्वेश्चन आपका रैंक बूस्ट करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस रहेगा तो इजी क्वेश्चन जैसे ही आप कर लेंगे, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट गो फॉर अनदर क्वेश्चन. सो देखिए हमारा ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, और इजी तो रहेगा, इजी क्वेश्चन तो रहेगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. कोई भी दिक्कत हो रहा है प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, आई विल गिव माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व इट. ओके सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन क्या दिया है? टू स्मॉल इक्वल चार्ज स्फीयर, टू स्मॉल इक्वल चार्ज स्फीयर. ओके प्लीज आउटसाइड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा. थोड़ा आज आपको पता होगा कि पता नहीं, आज गणेश चतुर्थी है ना सर, सो बाहर बच्चे थोड़ा, सो प्लीज इग्नोर कीजिएगा. टू स्मॉल इक्वल चार्ज एंड स्पीयर्स, ईच ऑफ मास एम, ईच ऑफ मास एम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, आर सॉरी सॉरी फॉर द आउटसाइड नॉइज गाइस, रियली सॉरी, आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड्स लेंथ एल, बाय स्ट्रिंग लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल. द डिस्टेंस बिटवीन, और क्या बोला है, जो एक्स है मैं अपना पिक्चर कर दे रहा हूँ, जो एक्स वैल्यू इज लेस देन एल है, एंड डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द रेट, फाइंड द रेट डी क्यू बाई डी टी विथ व्हिच चार्ज लीक्स, विथ व्हिच
चार्ज लीक्स लीक्स विथ विथ चार्ज लीक्स हियर वेलोसिटी गिवन बाय ए बाय रूट एक्स. वेलोसिटी कितना दिया है, ए बाय रूट एक्स, ए कॉन्स्टेंट दे दिया है. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आएगा हमको पता है, हम जब पिक्चर कर देंगे आपको समझ में आ जाएगा. एक सेकेंड, हाँ पिक्चर क्या दिया है, ऐसे एक पॉइंट है वो जहाँ से दो थ्रेड सस्पेंड कर रहे हैं ऐसे, ओके, और दोनों का यहाँ से ये एंगल हमारा थीटा है, दोनों ऐसे सस्पेंड कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम पोजिशन में है. समझ में आ गया. और क्या बोला है, जो x है ये लेंथ l है दोनों का थ्रेड का, ये x है और x वेरी वेरी लेस देन l, l बड़ा है थोड़ा, हमारा पिक्चर में थोड़ा ऐसे एडजस्ट हो जा रहा है, देख लीजिएगा अच्छे से. ठीक है, नेक्स्ट डी क्यू बाई डी टी निकालना है. अच्छा चार्ज कितना दिया है दोनों का, स्मॉल q दिया है शायद ना, हाँ मास दिया है m दोनों का, चार्ज दिया है स्मॉल q दोनों का. समझ में आ गया, हाँ देन वी विल गो फर्दर. देखिए इन दोनों में से कोई भी हम मास को कंसीडर कर लेते हैं, हम इसको कंसीडर कर लेंगे या इसको, इसको कर लेते हैं, वहाँ पर जगह थोड़ा कम है इसको कर लेते हैं. तो यहाँ पर नीचे कितना लगेगा, एम जी फोर्स लगेगा कि नहीं, अच्छा लगेगा. देन ये एंगल अगर थीटा हो गया, यहाँ से हम अगर वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करें तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं. तो यहाँ पर अगर टेंशन टी ऐसे ऐसे दोनों पर लग रहा है तो ये कितना होगा, टी कोस थीटा. समझ में आ गया. और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, टी साइन थीटा. ओके कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल है. अच्छा तो इस टी साइन थीटा का भी कोई मतलब फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, वो फोर्स क्या होगा. देखिए ये दोनों का मास स्मॉल क्यू है तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन पर. तो इस डायरेक्शन पर एक कूलम्बिक फोर्स है, एफ कूलम्बिक, एफ सी लिख दे रहा. तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आंसर में क्या लिखेंगे, तो टी साइन थीटा, ये जो टी साइन थीटा इक्वल टू कितना है, कूलम्बिक फोर्स एफ सी. देन टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं कितना आएगा, टी टी कटा, टेन थीटा इक्वल टू एफ सी बाई एम जी, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है तो ये ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और एक बार, तो यहाँ का एंगल कितना है थीटा. ओके तो ये वाला जो बेस है कितना होगा, ये टोटल अगर एक्स है तो ये वाला बेस कितना होगा, एक्स बाई टू, ये वाला लेंथ है. यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए टेन थीटा का वैल्यू इस एंगल से x बाई टू बाई एल, तो टेन थीटा वैल्यू कितना लिखेंगे, x बाई टू एल हो जाएगा, इक्वल टू एफ कूलम्बिक बाई एम जी. समझ में आ गया. देन x बाई टू एल इक्वल टू वन बाई एम जी, देन इन टू कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं. कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर. तो के क्यू वन तो क्यू इंटू क्यू टू क्यू स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर हो गया टोटल, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर. ओके सिंपल. देन यहाँ से हमको क्यू का वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी निकालना है, हम पहले क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो क्यू कितना होगा, एक्सेस क्यू एम जी डिवाइडेड बाय टू के एल इक्वल टू क्यू स्क्वायर, हो कि नहीं. तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना आएगा, एम जी बाय टू के एल का रूट ओवर एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू आएगा कि नहीं. क्यू का वैल्यू आ गया. देखिए कैलकुलेशन शायद ठीक ही है, देख लीजिएगा एक बार आप, दोबारा चेक कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाता है हमारा.
ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। अच्छा देन क्यों निकल गया, देन लेट्स गो फॉर कैलकुलेटिंग डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी कितना होगा, इसको सिंपली विथ रेस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करते हैं, तो ये तो पूरा टर्म कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ गया, कितना होगा एम जी बाई, सॉरी प्लीज आउटसाइड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा आज नॉइज थोड़ा हो रहा है, टू के एल ओके इन टू एक्स टू दी बाई थ्री बाई टी का डेरिवेटिव कितना होगा, थ्री बाई टू इन टू एक्स टू दी पावर वन बाई टू इन टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी। अच्छा देन कितना होगा एम जी बाई टू के एल रूट ओवर इन टू थ्री बाई टू इन टू एक्स टू द पावर हाफ इन टू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, हमारा वेलोसिटी। अरे डी एक्स बाई डी टी ही वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी की जगह पर कितना लिखेंगे, ए बाई रूट एक्स इन टू ए बाई रूट ओवर एक्स। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो रूट एक्स कट गया, बचाया क्या, थ्री बाई टू थ्री ए बाई टू इन टू एम जी बाई टू के एल। प्लीज़ कोई कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो जाएगा तो देख लीजिएगा, शायद ठीक ही है फिर भी देख लीजिए एक बार, पर कॉन्सेप्ट ठीक है, देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख। सॉरी फॉर द नॉइज गाइज, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल गो फॉर फर्दर। ओके ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल गो फॉर फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, ले लिए होगा आप, चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि मतलब देखिए मैं एक एक मतलब एक एक पेज में कर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये छोटा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, इसको आप खुद कीजिएगा, ये सब रिजल्व विजल्व करने में बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए बोलता हूँ ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या होता है, आपका एनालिटिकल जो ब्रेन होता है उसको डेवलप करता है, समझ रहे हैं, जब तक आपका ब्रेन एनालिटिकली डेवलप नहीं होगा, मतलब ब्रेन का एनालाइजिंग जो करने का पावर है वो जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो उसको सॉल्व करने के लिए दो तीन कंसेप्ट जो मिलके जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्पीयर्स, दो चार्ज स्पीयर है ऐसे लटका हुआ है दोनों, ठीक है, दोनों स्पीयर, दोनों का मास कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 के जी। ओके देन एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा का वैल्यू कितना दे दिया है, 45 डिग्री। ओके एंड लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 3 बाई 2 का रूट ओवर मीटर, ये जो लेंथ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्पीयर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्पीयर सॉल्यूशन। ओके सो हमको क्या देखना है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, दोनों का मास दे दिया है, एंगल थीटा पर दोनों, मतलब ये एंगल थीटा पर है, मतलब टोटल टू थीटा पर होंगे दोनों, दोनों का लेंथ थ्री बाई टू का रूट ओवर इंटू मीटर दिया है, और दोनों का चार्ज क्यू है, ठीक है, और बोला है वही क्यू का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, सिंपल है, जो कंसेप्ट मैं आपको बताया हूँ उस कंसेप्ट को लगाना है। अभी देखिए कोई भी हम चार्ज को कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स ये वाला चार्ज हम कंसिडर कर लेते हैं, तो नीचे इसमें कितना लगेगा एम जी फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन पर, इस बॉडी पर,
अच्छा तो इसको हम ऐसे अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल अगर थीटा हुआ, एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, टी कोस थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, टी साइन थीटा, ठीक है। देन ये जो क्यू है, इस क्यू को इस तरह रिपल कर रहा होगा तो कोलम्बिक फोर्स इन राइटवर्ड डायरेक्शन एफ सी आ जाएगा। सिंपल हो, रिजल्व हो गया। अभी इसका इक्वेशन लिखना है, चलिए लिखते हैं। तो एफ सी कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा। देन टी जो एम जी कितना आ जाएगा, टी कोस थीटा, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, एफ सी बाई एम जी। तो एफ सी कितना आ जाएगा, एम जी टेन थीटा, ठीक है। तो एफ कूलम्बिक का फॉर्मूला क्या पता है, के क्यू वन, क्यू कितना है, क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई क्यू क्यू इंटू आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। अच्छा तो डिस्टेंस अभी नहीं दिया है, समझ में आ गया, डिस्टेंस नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स एक डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे, ये वाला डिस्टेंस को हम पी ले लेंगे। ये वाला पी हो गया तो ये भी पी हो गया, टोटल टू पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे। तो टू पी का होल स्क्वायर मतलब यहाँ से पी का वैल्यू हमको भी निकालना है अब, समझ में आ गया। यहाँ से मैं क्या कर दे रहा हूँ, टू पी का होल स्क्वायर इक्वल टू एम जी टेन थीटा। अच्छा देखिए ये वाला ट्राइंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में ये एंगल अगर थीटा हो गया, ये वाला एंगल अगर ए, ये वाला लेंथ अगर एल हो गया, ये अगर पी हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ देखेंगे हम, अगर हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, पी बाई एल आएगी नहीं, तो पी कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा। तो एल का वैल्यू कितना दिया है, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू इंटू साइन थीटा, साइन 45 डिग्री, साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2। अच्छा तो कितना होगा, रूट थ्री बाई टू, ठीक है। जब पी का वैल्यू कितना आएगा, रूट थ्री बाई टू, तो टू पी का वैल्यू कितना आएगा, रूट थ्री, समझ में आ गया। जो टू पी का वैल्यू कितना आएगा, रूट थ्री, और रूट थ्री का होल स्क्वायर मतलब थ्री, तो के क्यू स्क्वेयर बाई थ्री इक्वल टू एम जी इंटू टेन फोर्टी, टेन थीटा मतलब टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री वन हो गया, क्यू स्क्वेयर का वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री एम जी बाई के, क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री एम जी बाई के का रूट ओवर, क्यू का वैल्यू आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सर। अच्छा अभी क्या करना है, देखिए कैलकुलेशन शायद ठीक होगा फिर भी देख लीजिए एक बार आप। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ मास का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है आपको, जी का वैल्यू 10 पुट कर देना है और के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ पुट कर देना है, ठीक है। तो उसको सिर्फ कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, फॉर्मूला ये सब वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, नथिंग एल्स। सिंपल है, जस्ट ये सब वैल्यू पुट कीजिएगा और इसको कैलकुलेट कीजिएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें, इजी है क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे, अच्छा क्वेश्चन पर। एक सेकेंड गाइज। अच्छा अभी इस लेक्चर को अभी स्टॉप करते हैं और एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, इस लेक्चर को अभी स्टॉप करते हैं।